मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद शुरू हो गया है। इसको लेकर गुरुवार को मुख्यालय पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा के रिजल्ट में धांधली के आरोप लगाते हुए आपत्ति भी दर्ज कराई है। परीक्षार्थियों ने ग्वालियर के एक कॉलेज के छात्रों के चयन पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे छात्रों का आंदोलन उस वक्त हंगामे में तब्दील हो गया जब विद्यार्थियों को धारा 144 का हवाला देकर मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया। कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं देने पर नाराज विद्यार्थियों ने धरना शुरू कर दिया, जिससे करीब 2 घंटे तक कलेक्ट्रेट में आवाजाही बंद रही। पुलिस और डिप्टी कलेक्टर ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन छात्र कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश की जीत पर अड़ गए। छात्रों का कहना है कि पटवारी चयन में एक ही कॉलेज से टॉपर निकलना फर्जीवाड़े एवं भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इस फर्जीवाड़े में रुपयों के बल पर नौकरियां दे दी, जबकि गरीब परिवार के प्रतिभागियों को निराशा हाथ लगी है। हमारी मांग है कि जिन कॉलेज के परीक्षार्थियों का चयन हुआ उन कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाने सहित दोबारा चयन प्रक्रिया की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। देखिए, अभी एक ही कॉलेज से 7 टॉपर्स निकले हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि फर्जीवाड़ा में चला गया, सीटें बिक गई है, तो उसी के सिलसिले में आए हैं। क्या मांग करते हो? यही कि जो भी गड़बड़ी हुई है उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत के दम से पास हुए हैं और जो पैसे वाले ऐसे पैसे ऑफर कर करके सीटें ले लेते हैं, तो फिर हम जैसों का क्या होगा सर? जो जिनके पास पैसे है वो तो पैसे देके ना अपने लिए सीट बुक करवा लेंगे, वो नौकरियां ले लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगे? तो इसी के लिए हम लोग आए हैं। मीरा रावत। वो पटवारी भर्ती के फर्जीवाड़े को लेकर यहाँ पर हम उपस्थित हुए, जिसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भाजपा विधायक की एनआरआई कॉलेज से लगभग 116 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से 7 बच्चे टॉप 10 की लिस्ट में आए हुए हैं। तो हमारी इस आधार पर हमारी शंका आशंका है कि पटवारी भर्ती में पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा हुआ है। मैं शिवराज मामा जी से कहना चाहता हूँ कि उनके भांजे और भांजिया यहाँ पर अपने घर बार छोड़कर कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ पर दिन रात बैठकर वो कड़ी मेहनत करते हैं और ये पूंजीपतियों के बच्चों को सीटें भेज देते हैं। ये देश के युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ है। शिवराज मामा इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द सीबीआई जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर गरीब के बेरोजगार के और इन सब के बच्चे यहाँ पर दिन रात मेहनत करते और ये पूंजीपति लोगों को ये सीटें बेच देते। तो मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और सीबीआई जांच कर पटवारी की पुनः भर्ती की जाए, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं भाजपा सरकार में पिछले बार भी व्यापन घोटाला हुआ था और अभी कुछ दिनों पहले कृषि विस्तार अधिकारी में भी घोटाला हुआ था और अभी वापस से पटवारी घोटाला, तो ऐसा कब तक चलेगा? यह कुल मिलाकर तानाशाही सरकार है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम उनको कहना चाहते कि अब ऐसी खिलवाड़ नहीं चलेगी। अब युवा जाग चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, वो अपने हकों अधिकारों के लिए लड़ना सीख चुका है। इसमें जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो, वरना पूरे युवा मिलकर भोपाल में कलेक्टर घेराव करेंगे। मेरा नाम चितु वर्मा है। पटवारी भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका उजागर हुआ है। पटवारी भर्ती में इस प्रकार फर्जीवाड़ा हो रहा है कि एक ही कॉलेज के 10 में से 7 लोग टॉपर है और उसमें 9000 में से 1000 लोग एक ही कॉलेज के उसमें सिलेक्शन हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं जो पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच हो और ऐसे जितने भी सेंटर अलाउट हुए हैं समस्त पूरे सेंटर पर जांच हो, उनके सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए, उनके बायोमेट्रिक चेक किया जाए कि किस प्रकार से वहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है। सभी सेंटरों को जांच किया जाए, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी सेंटर अलाउट हुए थे एग्जाम के लिए उन पूरे सेंटरों की जांच की जाए और जितने भी फर्जी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो किसी बीजेपी विधायक की कॉलेज है। हम चाहते हैं कि उस जिस भी की भी कॉलेज हो वो हमसे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस कॉलेज का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए ताकि ऐसी कॉलेजों को वहाँ पर एग्जाम के लिए एजेंसी देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के विधायकों जैसे वर्तमान में सरकार शासन में सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके कॉलेजों से पिछली बार भी वही हुआ था। पिछली बार भी ऐसे ही किसी बीजेपी की विधायक
विधायक की कॉलेज थी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, और इस बार भी वही किसी बीजेपी की विधायक की कॉलेज है उसमें ही फर्जीवाड़ा सामने आए हैं। इसके साथ साथ दूसरे कॉलेजों की भी जांच होना चाहिए जहाँ पर सेंटर अलाउड हुए थे। जिस तरीके से परीक्षा होती है, बच्चे मेहनत करके अपने परीक्षा देते हैं, नौकरी का सपना देखते हैं, और इस तरह का फर्जीवाड़ा रहते होती है तो उनका भविष्य भी अंधकार में होता जाता है। बिल्कुल सही है। जिस प्रकार बेचारे बच्चे, कोई ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी करके, गरीब परिवार से है, मजदूरी करके पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे वैसे करके इंदौर जैसे शहरों में जहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, आज व्यक्ति वहाँ पर मजदूरी करके पढ़ाई करता है, कोचिंगों में जाता है, बड़ी मुश्किल से 3-3, 4-4 साल से सभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, पर इस प्रकार के सरकार शासन में बैठे लोग आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन गरीब मजदूर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है आज। मेरा नाम सुनील किराड़े है, हम बेरोजगार छात्र है, सब पूरे बेरोजगार छात्र मिलकर आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।